अपने क्षेत्र के कुटीर लघु उद्योगों की बनी वस्तुओं को खरीदने अपनाने के साथ साथ उनका प्रचार प्रयास भी हमें करना चाहिए। आपका ये छोटा सा प्रयास किसी भी क्षेत्रीय उत्पादन को सामान्य से विशिष्ट बना सकता है। नमन, मेरा नाम राजेश पारासरिया है, मैं कक्षा 8वीं का विद्यार्थी हूँ और इस कोरोना के इस दौर में मैंने अपने गाँव को बहुत ही नज़दीक से देखा। मैंने यहाँ के कुटीर लघु लोगों को जिन्होंने अपने हाथों से बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, तो उनमें से मैं आपको एक उदाहरण पेश करने जा रहा हूँ जिनका नाम रामा राम जी है और ये लोहार हैं। तो आइए जानते हैं उनके बारे में और कुछ देखते हैं। राम राम काका। राम राम। राम राम। कैसे हैं? ठीक है। आपकी उम्र क्या है? 60 साल। इनकी उम्र 60 साल है। आजकल के लगभग लोग 60 साल की उम्र में अवकाश ले लेते हैं, पर ये अवकाश नहीं लेते हैं, ये बहुत ही काम करने वाले हैं। तो आप कौन सी क्लास तक पढ़े हुए हैं? 5वीं तक। ये 5वीं कक्षा तक पढ़े हुए हैं। तो आप ऐसी कुछ चीजें बताए जो आपने हाथों से बनाई। ये है कसी, निंदाउन करने के लिए काम आती है खेत में। ये है गेंती जो कुएं खोदने के लिए काम आती है। ये है दातला जो फसल कटाई के लिए काम आते हैं। ये है दुपेड़ा जो भगवान की आरती की जाती है। ये है कड़े जो हाथों में पहरे जाते हैं। ये है छत्तर जो गोगा जी महाराज को चढ़ाए जाते हैं। और ये है त्रिशूल जो जोग माया को चढ़ाए जाते हैं। ये है कुल्हाड़ी जो लकड़ी काटने के लिए काम आती है। ये उपकरण हम बनाते हैं। तो ये जो भी ये उपकरण बनाते हैं ये बहुत ही मजबूत होते हैं। तो हमारे गाँव में इनके अलावा भी बहुत सारे बनाते हैं, जैसे कि कुमार हमेशा मिट्टी का बनाते हैं, जैसे कि खिलौने और लकड़ियों से बनाते हैं, सुतार और झाड़ू भी बनाते हैं। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि हमें हमेशा आत्मनिर्भर होना चाहिए। हमें किसी भी दूसरे देश की चीज़ों पर विश्वास नहीं रखना चाहिए, हमें हमेशा स्वदेशी अपनाना चाहिए। और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि हमें हमेशा आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो एक बार फिर से धन्यवाद काका। धन्यवाद।